आज इस ट्यूटोरियल में हम दिखाएंगे कि इवेक्लाइट के कनेक्शन एच एन ए फोर एटी एम्पलीफायर के साथ कैसे होते हैं और इवेक्लाइट कंट्रोलर को कैसे ऑपरेट करते हैं इवेक्लाइट कंट्रोलर में इनबिल्ट एम्पलीफायर नहीं होता है इसलिए इसमें एक्सटर्नल एम्पलीफायर लगाने की जरूरत पड़ती है इसमें हम एक ही एम्पलीफायर लगा सकते हैं थाउजेंड वॉट तक पहले हम इवेक्लाइट कंट्रोलर के पीछे की तरफ के कनेक्शंस बताएंगे इसमें इनपुट टर्मिनल्स कॉम और 100 वोल्ट 70 वोल्ट होता है जो एम्पलीफायर के कॉम और 100 वोल्ट 70 वोल्ट टर्मिनल में कनेक्ट होता है इसको कनेक्ट करने के लिए टू कोर 1.5 पॉइंट फाइव केबल चाहिए यहाँ इनपुट टर्मिनल के ठीक नीचे आउटपुट टर्मिनल होता है जो एट जोन का स्पीकर सर्किट टर्मिनल है जिसमें स्पीकर कनेक्ट होता है ये आठ पिन एक्टिव टर्मिनल है शुरू के छह टर्मिनल यूज नहीं होते बस अलार्म इन और ग्राउंड टर्मिनल ही है जो यूज होता है जिसमें फायर इनपुट कनेक्ट होता है ये एंटीना सॉकेट है जहाँ पे 75 ओम एंटीना कनेक्ट होता है एफ एम सिग्नल पकड़ने के लिए यहाँ पे एक यूएसपी पोर्ट है जहाँ पे पेनड्राइव कनेक्ट होता है इस इवेकलाइट पैकेज के साथ आपको ये ड्राइव भी मिलता है लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि पेन ड्राइव कनेक्ट करने से पहले उसमें सारे फाइल्स फॉर्मेट के हिसाब से होने चाहिए ये आज फोर्टी पोर्ट है जहाँ पे इवैकलाइट माइक कनेक्ट होता है और इसको कनेक्ट करने के लिए कैट सिक्स केबल चाहिए होगा अगर कंट्रोलर और माइक के बीच में डिस्टेंस टेन मीटर से कम है तो माइक में अलग से पावर अडेप्टर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर डिस्टेंस 10 मीटर से ज्यादा है तो इवैकलाइट पावर अडेप्टर से माइक को एक्सटर्नल पावर देना पड़ेगा इवेक्लाइट कंट्रोलर और इवैक्लाइट माइक के बीच का डिस्टेंस 90 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता अगला टर्मिनल माइक पोर्ट है जहां हम लोकल माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं माइक पोर्ट के दूसरे तरफ लाइन इनपुट पोर्ट है जहाँ हम एक्सटर्नल ऑडियो सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं ये ऑडियो सोर्स डीवीडी एम फोन जैक जैसे कुछ एक्सटर्नल डिवाइस हो सकते हैं, जिनमें आर सी टू आर केबल नहीं है तो आर सी टू ऑक्स केबल से लगा सकते हैं अगला पोर्ट लाइन आउटपुट है जिसमें एम्पलीफायर का इनपुट पोर्ट कनेक्ट होता है इसको कनेक्ट करने के लिए आर सी टू एक्सएल केबल और आर सी टू आर सी मोनोजैक कनेक्टर चाहिए ये सारे कनेक्शंस होने के बाद हम इवेक्लाइट कंट्रोलर और एम्पलीफायर को पावर ऑन कर सकते हैं अब हम इस इवेक्लाइट कंट्रोलर के कनेक्शन होने के बाद ऑपरेट कैसे करेंगे वो बताएंगे इवेक्लाइट कंट्रोलर में बहुत सारी चीजें ऑपरेट हो सकती हैं, जैसे कि मैनुअल प्ले फायर इवैक्यूएशन, माइक अनाउंसमेंट पहले हम मैनुअल प्ले कैसे करते हैं वो बताएंगे लाइट के सामने की तरफ बटन्स, इंडिकेटर लाइट्स और एल डिस्प्ले होता है जब हम जीरो बटन प्रेस करते हैं तो एम पी थ्री एफ लाइन प्ले ऑप्शन शो होता है जब हम वन एम पी थ्री सिलेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव में जितने एम पी थ्री फाइल्स हैं, उन सब की लिस्ट दिखाई देती है अब हम लेफ्ट और राइट एरो बटन यूज करके एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं फिर प्ले बटन प्रेस करके इस सॉन्ग को स्पीकर्स में प्ले कर सकते हैं बैक बटन दबाकर म्यूजिक को बंद कर सकते हैं अब बैक बटन प्रेस करके मेन मेन्यू से बाहर आ जाएं। अब एफ और एम ऑपरेशन बताएंगे दोनों एफ और एम ऑपरेशन एक जैसे ही होते हैं अब हम जीरो प्रेस करेंगे ऑप्शन टू एफ ट्यूनर के लिए और थ्री एम ट्यूनर के लिए अब एल डिस्प्ले में रेडियो फ्रिक्वेंसी दिखेगा अगर आपको फ्रिक्वेंसी खुद से चेंज करना है तो धीरे से एरो बटन को प्रेस करते रहें। अब बैक बटन प्रेस करके मेन मेन्यू से बाहर आ जाएं। अब फोर्थ मैनुअल ऑपरेशन लाइन इनपुट है यहाँ पर हम डीवीडी एम फोन जैक को कंट्रोलर में लाइन इन पर कनेक्ट कर सकते हैं जो एक्सटर्नल ऑडियो इनपुट है इसके लिए आर सी ए टू आर सी ए केबल या आर सी ए टू ऑक्स केबल चाहिए होगा अब सामने से जीरो सिलेक्ट करके फोर बटन प्रेस करें फिर जो भी ऑडियो चलाने के लिए एम पी थ्री डी वी डी फोन जैक लगा रखा है उसमें जो म्यूजिक चलेगा वो म्यूजिक सभी चुने हुए ज़ोन्स में भी चलेगा फिर से बैक बटन प्रेस करें और बाहर आ जाएं। अब फायर एक्टिवेशन के बारे में बताएंगे इवैकलाइट में एक ही फायर अलार्म इनपुट टर्मिनल होता है जैसे कि हमने पहले बताया था अलार्म इन और ग्राउंड एट पिन टर्मिनल में कंट्रोलर के पीछे की तरफ फायर इनपुट का कनेक्शन दे सकता है जिससे यूएसबी बी पेन ड्राइव में स्टोर हुए ऑडियो में से प्री रिकॉर्डेड फायर इवैक मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा कंट्रोलर को नॉर्मल करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फायर कांटेक्ट नॉर्मल होना चाहिए नहीं तो ये एक्टिवेट ही रहेगा फिर से बैक बटन प्रेस करें और बाहर आ जाएं अभी माइक अनाउंसमेंट के बारे में बताएंगे इवेक्लाइट माइक कंट्रोलर के साथ लैंड केबल से कनेक्ट होता है जो हमने पहले भी बताया था अब माइक अनाउंसमेंट के लिए पहले उस जोन को चुन लीजिए जिसमें आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं नहीं तो ऑल ऑन चुन लीजिए अगर सारे जोन चलाना चाहते हैं उसके बाद माइक ऑन ऑफ बटन दबाएं। अनाउंसमेंट हो जाने के बाद फिर से माइक ऑन ऑफ बटन दबाएं और उसके बाद वही जोन बटन ऑल ऑन बटन दबाएं। जिससे अब माइक नॉर्मल हो जाएगा हमारे ट्रेनिंग के बारे में और अधिक जानने के लिए और अपने पोटेंशियल को परखने के लिए HoneywellDiscoverTraining.com डिस्कवर ट्रेनिंग डॉट कॉम पर विजिट करें